नमस्कार दोस्तों, ए बी बी टैग में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि टर्बो वीपीएन ऐप क्या और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को साइड में से सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इधर से अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपके सामने टर्बो वीपीएन फास्ट सिक्योर वीपीएन ऐप करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, इस ऐप का रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, जो कि इसका रिव्यू है वो 4.6 है और उसी तरह से इसकी डाउनलोडिंग रहेगी वो 1 मिलियन प्लस देखने को मिल जाएगी, जो कि इसकी डाउनलोडिंग भी काफ़ी अच्छी है और इस ऐप को अपने मोबाइल में किस तरह से यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, उसी तरह से इस ऐप को यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों, ये ऐप रहेगी कुछ इसी तरह से, यहाँ से आपके सामने ओपन होने लग जाएगी। ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, इसका इंटरफेस रहेगा वो कुछ इसी तरह से, यहाँ से आपके सामने इधर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो कुछ इसी तरह से, यहाँ से इसका इंटरफेस रहेगा कुछ इसी तरह से, आपके सामने ऐड आएगी तो हम ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से साइड से यहाँ से दोस्तों, देख सकते हो मैं यहाँ से वीडियो को क्लोज कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी वीडियो है वो क्लोज कर देंगे। उसी तरह से यहाँ से इसके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद दोस्तों, यहाँ से हमारे नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज सर्वर का, तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से सर्वर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम कौन सा भी ये वाले हम सर्वर यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो उसी तरह से इस वाला वाले सर्वर पर यूज़ करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस गुड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने आ जाएगा और उसी तरह से इसे हम वापस यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड आएगी। तो हम यहाँ से हम जो भी हमारा सर्वर रहेगा वो कुछ इसी तरह से यहाँ से कनेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कुछ इसी तरह से यहाँ से आपके सामने कनेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा और उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो कनेक्टिंग हो जाएगा। कनेक्टिंग हो जाने के बाद दोस्तों, यहाँ से हम दिखा देते हैं या जो कि इसकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का भी ऑप्शन इधर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से आपके सामने कुछ इसी तरह से ऐड आ रही है तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पर नीचे क्लोज का ऑप्शन है तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो जो कि हमारी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ से हमारा जो भी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है। और उसी तरह से इस सर्वर को यहाँ से आप अपने मोबाइल में चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो और इसे डिसकनेक्ट करना चाहते हो तो सिंपली इस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इस सर्वर को डिसकनेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। इसी तरह से इसकी करके यहाँ से साइड से क्लोज कर देंगे, यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो कुछ इसी तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो उसी तरह से यहाँ से हमारा जो भी सर्वर है वो अभी कनेक्टेड है और उसी तरह से यहाँ से हमें डिसकनेक्ट करना है तो इस वाला ऑप्शन पे आपको वापस क्लिक करके डिसकनेक्ट कर लेना है। डिसकनेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो क्योंकि यहाँ से हमारा जो भी सर्वर रहेगा वो आसानी से यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, उसी तरह से यहाँ से आप अपने मोबाइल में सर्वर को कनेक्ट डिसकनेक्ट आसानी से कर सकते हो और उसी तरह से यहाँ से आपके सामने ऐड आएगी तो ऐड को हम साइड से क्लोज कर देंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।